एवरीवन, टुडे आई एम टॉक अबाउट रिलेटेड टू अ टेंस एंड यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ टेंस। टेंस मीन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है जिस समय ये पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट है। यानी क्या करते हैं हम, उससे हमें ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो टाइम है वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से रिलेटेड है, जो कि आइडेंटिफाई करता है, जिसे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट, नेक्स्ट वन पास्ट एंड नेक्स्ट फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अब हमें नहीं समझ में आया प्रेजेंट मींस क्या होता है। प्रेजेंट मींस टुडे, पास्ट मींस यस्टरडे एंड फ्यूचर मींस टुमारो, ठीक है। प्रेजेंट यानी कि आज क्या है हमारा, फ्राइडे। पास्ट क्या था हमारा, थर्सडे। एंड नेक्स्ट फ्यूचर में हमारा क्या होगा, सैटरडे। बट सैटरडे इनके जो काइंड्स हैं वो है हमारे फोर। एक है हमारा इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ऑल टेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम बात कर लें प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर की। हमारा पार्ट्स जो टेंस ऑफ पीरियड होता है, यानी कि टाइम ऑफ जो पीरियड होता है वो थ्री होते हैं। कितने होते हैं, थ्री होते हैं। प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, पास्ट को बोलते हैं, पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य में होने वाला काम, यानी फ्यूचर। क्लियर। इसके पार्ट्स हमारे कितने हैं, फोर। इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल के नाम से जानते थे, हमारा कंटिन्यूस, यानी कि विच वर्क इज गोइंग ऑन। परफेक्ट, डन, यानी कि वर्क हो गया, और परफेक्ट कंटिन्यूस, डन होने के बाद भी वो जारी होना पाया जाता है, यानी एक वर्ड फिनिश हो रहा है, सेकंड वन गोइंग ऑन रहता है। हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस की। इन सी और वन के हम क्या पढ़ेंगे, किस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इंडेफिनिट के बारे में। इसके बारे में, इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। तो हमें सबको पता होगा कि किसी टेंस को पढ़ने के बारे में, सब में क्या होता है, टेंस, टेंस में हमारे क्या होता है, सेंटेंस। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आई थिंक ये तो सभी को पता हो गया, व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है डूअर, यानी जो काम करता है, हिंदी में हम बोलते हैं करता। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, करता। वर्ब मीन एक्शन वर्ब, डूइंग समथिंग, जो आप कर रहे होते हैं और उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्या है। ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हैं, आपका कर्म क्या है वो। और कॉम्प्लीमेंट, अगर उसमें दिया हुआ था पूरा वर्ड जो भी दिया है तो नेक्स्ट। तो इस चीज़ से हमें ये क्लियर होती है कि फर्स्टली जब हम सेंटेंस से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें नीड होगी सब्जेक्ट की, आफ्टर दैट होगी वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपको नहीं याद रहता है तो इन अ फिंगर, इन अ वन फिंगर यू सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पे थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये हमारा होगा प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ये हमारे क्लियर हो गए, यानी कि हमारे ये तीन पार्ट्स हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और इसके लिए ईच का क्या है, वन इंडेफिनेट, सेकेंड वन कंटिन्यूस, नेक्स्ट है परफेक्ट और नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट जो सिंपल होता है, इंडेफिनेट जिसको बोलते हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमारी फिंगर में भी वन लाइन है, इस वन लाइन का मीन हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट का जो हम स्ट्रक्चर लगाएंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो अब जब आप सेंटेंस के बारे में सोचें, यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में सोचें और उसके स्ट्रक्चर को रिमाइंड करें, तो फर्स्टली यू सी योर फिंगर, अपनी फिंगर को देखो, ठीक है। अपनी फिंगर को जब आप देखोगे तो उसमें फर्स्ट लाइन हमें दिखाई देगी, तो इसका मीन है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगेन आप देखेंगे अपनी फिंगर को, ठीक है, तो उसमें आप सेकंड पोर्शन पे आएंगे तो यहाँ पे टू लाइन आपको शो कर रही है, शो हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसका मीन ये है कि हमारे जो पास्ट की बात होगी वहाँ पे हमारा होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगेन आगे फिर लास्ट वन आप देख
देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा फ्यूचर, और फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रही है, सिंगल वन। तो यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगी इसकी एच वर्ब के साथ, हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल एंड शैल, और फिर यहाँ पे हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर मैं आपको रिमाइंड करा दूं आपके माइंड में कि हमारे टेंस जितने भी होते हैं उन सब टेंस में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली ऑन पास्ट में आती है और किसी में नहीं आती। पास्ट का जो सिंपल टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। प्रेजेंट का जो सिंपल टेंस होता है, इंडेफिनिट टेंस होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आती है और किसी में नहीं आती। उसके बाद आपको मैम आपने तो कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कहीं नहीं आती, नहीं आती क्योंकि यहाँ पे जो आ रही है वो है हमारी एच वर्ब के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम विल और शैल से आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये हमारा फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी एच वर्ब नहीं दी गई। ये बात क्लियर समझ में आ गई। प्रेजेंट की सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट की सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फ्यूचर की सिंपल टेंस में विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल, सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये सभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब जिनमें ताती से आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जिनमें आया आ ई ए की मात्रा आती है वो हमारा पास्ट टेंस होता है, और फ्यूचर में बताते हैं गा गी के फ्यूचर में होने वाला जो वर्ब होता है वो हमारा फ्यूचर होता है। ये इतना ही बनाया। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप कभी कहीं भी देखते होंगे, कहीं पर तो हमारा ई एस लगा होता है और कहीं पे हमारा एस लगा होता है, ठीक है, देखते हो ना, कहीं पे ई एस लगा होता है, कहीं पे एस लगा हुआ होता है और कहीं पे कुछ नहीं लगा होता। जस्ट एन एग्जांपल, आई गो, ओके। अब इसने बोला ही गोज, अब ये समझ में नहीं आया कि मैम यहाँ पे तो गो लिखा हुआ है, वो भी ये कहता है मैं जाता हूँ, ये कहता है मैं जाता हूँ, मैं जाता है, ठीक है, दोनों की हिंदी क्या आ रही है, जाता जाते जा। अब ये यहाँ पे भी वो वही वर्ब कर रहा है, सेम एक्शन कर रहा है, और यहाँ पे भी वो सेम एक्शन ही कर रहा है, बट हमने यहाँ पे अलग अलग वर्ब क्यों पुट किए हैं, अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगल होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है ई एस ऐड करते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इनकी जरूरत नहीं होती, यानी कि सिंगुलर में हमें लगाना होता है, प्लूरल में नीड नहीं होती, प्लूरल में नहीं लगाते हैं, सिंगुलर में एस और एस लगाते हैं। अब बोलो कि मैम ई एस किस में लगाते हैं, तो मैंने आपको प्लूरल वाली प्लूरल सिंगुलर नंबर्स की वीडियो अवेलेबल कराई थी, उसमें मैंने क्लियर किया था कि किन के पीछे हम ई एस लगाते हैं, ठीक है, और आप उसे देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किन वर्ड्स के पीछे हम ई एस पुट करते हैं, कहाँ पर हमें एस लगाना है। ये बात समझ में आ गई सबके। अब मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे हम ई एस और एस पुट करते हैं और कहाँ पे नहीं करते, तो व्हेन, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, व्हेन जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा सिंगुलर, तो हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस पुट करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम एस और ई एस को नहीं लगाते हैं, एस और ई एस की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बोलोगे हम सिंगुलर कौन से होते हैं, सिंगुलर हमारे होते हैं ही शी इट और किसी का नेम, इनको हम बोलते हैं सिंगुलर, क्या बोलते हैं सिंगुलर। अब हम बात करेंगे प्लूरल की, तो प्लूरल हमारे होते हैं सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन में हमारा होता है यू, और उसके बाद थर्ड पर्सन वी दे आई फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और मोर देन वन और एक से ज़्यादा, मोर देन वन यानी कि एक से ज़्यादा। जब हमें दिखाई देता है आपको समझ में आता है कि वे जाते हैं दे गो, तुम जाते हो यू गो, हम जाते हैं वी गो, और जहाँ मैंने कहा वे जाता है ही गो, वह जाती है शी गोज, समझ में आया, और रीना जाती है रीना गोज। तो मैंने यहाँ पे बताया कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट या किसी का नेम होता है, तब हम वहाँ पे लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और
होती है क्योंकि वो प्लूरल होते हैं और हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वहाँ पे वो क्या करेगी, प्लूरल के साथ यानी कि उसके साथ लगेगी, वो वहाँ पे प्लूरल का वर्ब करेगी। तो ना आगे ये बात क्लियर। अब इसी के हम पॉइंट क्लियर करते जाते हैं। ये तो हमारे थे स्टेटमेंट वाले यानी जिसमें हमारा काम होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट के नेगेटिव की। जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह स्कूल नहीं जाती है या वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह स्कूल नहीं जाते हैं ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। तो हमारा नंबर क्या है? सिंगुलर। तो हमें, मैं आपको बता दूं, जब हमारा नंबर सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ लगाते हैं डज नॉट, और जब हमारा नंबर प्लूरल होता है तो हम उसके साथ लगाते हैं डू प्लस नॉट। ठीक है, जैसे कि हम आपको यदि अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर याद करेंगे तो वहां पे हम कर रहे थे सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगा रहे थे, और यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस ना लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारी ई एस आई है ना, यहाँ पे जो ई एस आई है वो हम डू में लगा देते हैं, वो हो जाता है डज। ठीक है, और किसी भी सेंटेंस में डबल वर्ब नहीं आती, इसलिए जब हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना लगाते हैं हम किस में मेंशन करते हैं, डू में, तो वो क्या हो जाता है, डज। ये बात समझ में आ गई। और जब हम यहाँ पे भी नहीं लगा रहे थे तो हम यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या है, प्लूरल। तो मैं अगर बोलूं तुम गाना नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं गाते हो, ठीक है, तुम डांस नहीं करते हो, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल। और प्लूरल में हम यहाँ पे भी जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगा रहे थे तो हम यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे। ये बात सबके समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, यानी कि कोई सेंटेंस है जो कि डाउटफुल है, कोई सेंटेंस है जो कि डाउटफुल है कि क्या उसने काम किया, क्या उसने खाना खाया, क्या वह स्कूल गया, यानी कि उससे कंफर्म नहीं है, वो कंफर्म करना चाहता है, यानी कि जहाँ पे हमारे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। यानी व्हेन एनीवन आस्क अ क्वेश्चन, कोई भी आपसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन डू यू डू योर वर्क, ठीक है, तुमने अपना काम कब किया, इस तरीके। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए हम लगाते हैं फर्स्ट डू और डज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट इफ यू हैव, यदि आपके है, और आफ्टर उसके क्वेश्चन मार्क। आपको पता है कि हम क्वेश्चन मार्क से आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस हमारे किससे बिलोंग करता है, इंट्रोगेटिव से। ये बात सबकी समझ में आती है, यानी कि जब हमें क्वेश्चन मार्क दिखाई देता तो उससे समझ में आता है कि हमारा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव। अब और सेकंड वन हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट डू और डज, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, इसका मतलब ये क्या तुम स्कूल जाते हो। तो हमें ये अब दूसरा बोला तुम स्कूल कब जाते हो, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया व्हेन आगे, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो इसका मतलब ये है कि आप स्कूल कब जाते हैं। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस से आपको क्या समझ में आता है कि जब हमारा टेंस में क्या वर्ड आगे आता है, क्या वर्ड आगे लगाया जाता है, ठीक है, पुटअप करता है, क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम काम करते हो,
सेंटेंस के, सेंटेंस के मिड में आने पर हम क्या करते हैं वहां पे उस क्वेश्चन वर्ड को पहले लगाएंगे, उस क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लगाएंगे, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर जो है उससे पीछे ऐसा ही रखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे टू और डस से बिफोर क्या लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। समझ में आ गई सबके? तो ये आपका हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम आते हैं पास्ट टेंस पर। किसकी? पास्ट टेंस पर। जब ये स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि जिन जिन ये सेंस होते हैं ना, लिया आ ई ए का साउंड जो पीछे सेंटेंस में दिया होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं पास्ट टेंस। और मैंने आपको बताया था कि जो टोटल हमारे टेंस के काइंड हैं उनमें केवल एक ही टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस। ये बात क्लियर है? अब हमने हमारा डन क्या हो गया प्रेजेंट, हम बात किसी कर रहे हैं पास्ट की, और कौन से पार्ट पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने बोला आपसे, अब हमारा ये सेकंड पॉइंट लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पहले आपके सारे स्ट्रक्चर लिख देती हूँ फिर बताता हूँ। हमारे नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारा डबल क्वेश्चन वर्ड में होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम आपने तो ये बोला था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो इस डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई? यही है ना। तो डू की सेकंड फॉर्म यहाँ पे जो एक्चुअली वर्ब का वर्क कर रही है वो है हमारी डिड, और डिड के साथ हमारी क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ हमारी क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने कहा बह गया, बह गया या बह गई, तो ही वेंट। हमें पता है वो की सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट होती है, वो वेंट कौन बोलते हैं ना, वह गया, वह गई, वे गए। तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें सब्जेक्ट का वर्ब पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑल सभी वर्ब के साथ सॉरी सभी सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, ही सी इट यू वी दे। ठीक है, और मोर देन वन या मोर देन वन या सिंगल वन सबके साथ हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर का कोई मीन नहीं है, सबके साथ ऑल सिंगुलर है, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। दे रॉट, उसने लिखा। वी सेंग, हमने गाया। तो इसका मतलब ये है, आपको इससे समझ में आ रहा होगा ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, लेकिन सबके साथ आएगा क्या आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई सेंग, मैंने गाया, उसने गाया, तुमने गाया, किसी ने भी गाया, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबके साथ हमें क्या लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये बात सबके क्लियर समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं नेगेटिव टेंस की। नेगेटिव का मतलब समझ में आता है कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा मन नहीं है, हम करना नहीं चाहते। ठीक है, तो नेगेटिव का मीन तो यही है मेरा मन नहीं है, मैं करना नहीं चाहता उस वर्ड को। तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट, मैंने ये बताया था आपको यहाँ पे क्या आएगा डिड, और डिड के साथ हम क्या करेंगे डिड हमारा क्या है डू का सेकंड फॉर्म, डू का सेकंड फॉर्म है ना, और जब सेकंड फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी पुट है तो यहाँ पर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको स्टार्टिंग इन अ सेंटेंस में बताया था कि यहाँ पर सारी क्रिया का काम करता है डिड, और किसी भी सेंटेंस में डबल वर्ब नहीं आती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हमारी होगी एच वर्ब। एच वर्ब क्या है डिड,
प्रेजेंट नहीं होगा अगर आप कहते हैं आई डिड नॉट वेंट टू, ठीक है, मैं नहीं गया. आगे कह रहा है आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया. तो विच सेंटेंस इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू इट स्ट्रक्चर, मैंने आपको बोला कि डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेंटेंस हमारा क्या है? करेक्ट है. बट यहाँ पे आई है, आई के साथ हमारा डिड है और डिड के साथ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन हमें बताया क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसलिए हमारे ये सेंटेंस क्या होगा? रॉन्ग होगा. ठीक है, तो डिड के साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डिड के साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डिड के साथ हमारा आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. क्लियर? अब क्या मैं स्कूल गया तो हम क्या करेंगे? क्या में साउंड आ रहा है कि क्या हमारा पहले आ गया है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमारी पहले आ जाएगी. क्या वह, यानी डिड ही गया, जाने की गो, डिड ही गो टू स्कूल या डिड ही वेंट टू स्कूल, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, पहले हमारा डिड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है. इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, ये हमारा डिड और ये हमारा सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये राइट है. ये बात सबकी समझ में आ गई. मैं इस तरीके से इसलिए बता रही हूँ कि आपको करने में कोई दिक्कत नहीं हो. अब मैंने बोला वह स्कूल क्यों गया, मैंने तो उससे मना किया था, वो स्कूल क्यों गया, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? वाई, क्यों, कब, कैसे, ये मिड में आ गई ना, तो हम वाई को पहले पुट करेंगे. फिर लिखेंगे वाई डिड ही गो टू स्कूल. ठीक है, समझ में आया? यानी कि जब हमारे डबल क्वेश्चन वर्ड में पूछा जाएगा तो फर्स्टली हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो हमने लगा दिया, सेकंड वर्ड हम डिड लगाएंगे तो हमने डिड भी लगा दिया, आफ्टर दैट हमें सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट भी हमने पुट कर दिया, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो का वो फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है स्कूल, और ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है. यदि आपको करेक्ट कर मतलब देखना है कि सेंटेंस करेक्ट है और रॉन्ग है. प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब किसका नंबर आया? फ्यूचर का. ठीक है, तो टुमारो क्या है हमारा? सैटरडे. कल क्या होगा? सैटरडे. यानी जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है, जो होगा फ्यूचर में. मैं आज स्कूल आया हूँ, कल भी आया था और कल भी आऊंगा, तो आज आया हूँ इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट की बात हो गई. नहीं, तुम तो स्कूल आ चुके. और जो हमारा वर्ड, जो पर्सन हमेशा बात करता है ना, तीन ही पॉइंट में बात करता है, इससे रिलेटेड भी मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो डाली थी, वो भी पढ़ के आएंगे सब. तो उसमें मैंने क्या बताया था, इंसान हमेशा तीन चीज़ों पे बात करता है, एक प्लान पे करता है और दो पॉइंट मैंने आपको छोड़ दिए, वो कौन से होते हैं आप खुद फाइंड कर लाएंगे, जिससे आपको टेंस की सीरीज ऐसी ना रहे कि जिससे आपको समझ में ना आए. यानी कि आपको समझने के लिए क्या करना होगा, पहले एक स्ट्रक्चर मैंने दे रखा है जिससे वाला वाली या फ्यूचर का प्लान या पहले की चीज़ें, तो हम ये नहीं कि विल और शैल लगाएंगे तो हमारे दादी के आगे तो फ्यूचर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है. अब आपको वो आइडेंटिफाई जब होगा जब आप उसे देखेंगे. ये बात क्लियर है, सबके समझ में आ गया? तो आप यदि आपको इस डाउट को क्लियर करना होगा तो आपको उस पर देखना होगा. अब नेक्स्ट है फ्यूचर. अब जनरली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिन वर्डों के पीछे, जिनके पीछे हम ये पढ़ते ना, वे आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, होएगा, तो गागी के पढ़ते आ रहे हैं वो फ्यूचर होता है. लेकिन मैं हमने आपको बता दी कि फ्यूचर से रिलेटेड या इंसान हमेशा तीन चीज़ों पर ही बात करता है, एक पास्ट में बीती हुई चीज़ों पर अपने प्लान के बारे में, और एक चीज़ मैंने आपको बताया कि आप खुद फाइंड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इस स्ट्रक्चर में फॉलो करती हूँ. और इससे पहली बार आप खुद पढ़े उसे जिससे समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहती थी. अब तो हमें इस स्ट्रक्चर बताया सब्जेक्ट, एच यू विल, और फिर शैल, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर बताएगा हमें ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमें ये भी बताया गया है कि अगर
अगर हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम से लगाते हैं और अदर वन के साथ हम वे लगाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हमारे कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई और वी। आई और वी को हम बोलते हैं स्पीकर। ये हमेशा बोलते ही रहते हैं, कंटिन्यूस बोलते रहते हैं, यानी इनका काम ही है बोलने का। जैसे कि मैं इस समय स्पीकर कौन है? मैं। अब मैं, मेरा काम क्या है? मैं कंटिन्यूस बोले जा रही हूँ। तो मेरा काम क्या है? कंटिन्यूस बोलने का हो गया। ये बात सबकी समझ में आ गई? आ गई ना। तो अब मैंने ये कहा कि आई और वी के साथ, यानी स्पीकर यानी बोलने वाले इंसान के साथ, तो स्पीकर के साथ हम इसे स्पीकर ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि तुम घर पे बोलो मैडम ने तो कहा था, फर्स्ट आई और वी जो होते हैं वही स्पीकर होते हैं। हाँ स्पीकर होते हैं, जब तुम बोलोगे तो तुम स्पीकर होंगे, जब तुम्हारे घर वाले बोलेंगे तो वो स्पीकर होंगे। ठीक है, जो बोलते हैं और जो सुनता है उसे बोलते हैं लिसनर। क्या बोलते हैं? लिसनर, जो कि हमारा होता है सेकंड पर्सन। मैंने आपको काफी बार बताया हुआ ये चीज, बताया नहीं बताया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगा रहे थे? शैल का यूज कर रहे थे। किसका कर रहे थे? शैल का। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कौन रह गया? हमारा सेकंड पर्सन रह गया और थर्ड पर्सन रह गया। ठीक है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल। क्या लगाएंगे? विल। बट जब हमारा काम जरूर होता है, अवश्य होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं। फिर तो हम आई के साथ विल पुट कर देते हैं। आई के साथ हम विल लगाते हैं। मैं कल कॉपी चेक करूंगी, अगर मैं स्कूल आई तो मैं कॉपी चेक करूंगी, यानी वो काम अवश्य होगा। तो आई विल चेक योर नोटबुक। समझ में आया? यानी वो काम जो अवश्य होगा, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। और वैसे हमारे फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल लगाते हैं और अदर वन के साथ हम विल लगाते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अवश्य जाऊंगा, चाहे कोई भी रुकावट आ जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा। तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे आई विल गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा। और मैंने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, तो आई शैल गो टू स्कूल। तो दोनों में अंतर समझ में आया? यानी इसका मतलब ये है कि वो स्कूल जाएगा, डेफिनेट है वो स्कूल जाएगा, अगर कुछ हुआ नहीं तो। लेकिन ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर चाहे बारिश आ जाए, धरती पाताल एक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो स्कूल जाऊंगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे? जो काम अवश्य होगा, जरूर होगा, ठीक है, किसी भी कंडीशन में नहीं रोक सकता, वहां पर हम विल लगाएंगे। और जहां पर चांस है रुकने के लिए, तो वहां पर हम क्या करेंगे? उसे सेल लगाएंगे। ठीक है, अब यू के साथ मैंने आपको बताया था सेकंड पर्सन, यू विल गो टू स्कूल, वी विल गो टू स्कूल। अब वी विल या शैल? शैल, क्योंकि मैडम आपने बताया था कि आई ओ वी के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। आई ओ वी के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। ठीक है, लेकिन विल और ये जस्ट अपोजिट कब करेंगे? जब वो काम रुक नहीं सकता, होना ही है, तो हम क्या लगाएंगे? उसे क्या कर देंगे? क्या करेंगे भाई वहां पे? उससे जस्ट एच यू वर्ब जो होगी, विल की प्लेस पर सेल और सेल की प्लेस पर विल पुट करते हैं। नेगेटिव में मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, क्या वह स्कूल जाएगा? अब वो कंफर्म करना चाह रहा है, जैसे जिज्ञासा किसी की बढ़ जाती है। प्रीति से, क्या प्रीति स्कूल जाएगी? पूछ रही है, उसे पता नहीं है। तो वहाँ पे प्रीति कौन है? हमारा सिंगुलर पर्सन है, अब वो कंफर्म करना चाहती है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? विल प्रीति। ठीक है, गो टू स्कूल, क्या प्रीति स्कूल जाएगी? अब जिज्ञासा वो कह रही मैं नहीं जाऊंगी, तो वो कहती है क्यों नहीं जाएगी? मैं जाऊंगी या तू भी जाएगी? तो वहां पर क्यों नहीं जाएगी? तो वहां पर कह रही व्हाई विल प्रीति, और फिर नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ये बात सबकी समझ में आ गई? यानी आज हमने किसी बारे में पढ़ लिया? प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सिंपल टेंस को पढ़ा, इंडेफिनिट पार्ट को पढ़ा, और जिसमें हमने हमारे स्टेटमेंट यानी पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा, नेगेटिव को पढ़ा और इंट्रोगेटिव को पढ़ा। डन? ओके डन, समझ में आ गया?